गुजरात में छिड़ी चुनावी जंग में एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से प्रचार कर रही हैं, तो वहीं अब कार्टून वॉर शुरू हो चुकी है। चुनावी रैलियां और रोड शो को दरकिनार कर असली चुनाव अब सोशल मीडिया के जरिए लड़ा जा रहा है। एक दूसरे की टांग खींचने के लिए राजनीतिक दल कार्टून का सहारा ले रहे हैं। हाल ही में बीजेपी ने पोस्टर जारी कर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर बड़ा निशाना साधा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रही तस्वीरों में राहुल का कार्टून बनाया गया है, जिसमें राहुल को गुजरात में जिग्नेश, हार्दिक और अपलेश के सहारे चुनाव लड़ते दिखाया गया है। इस पोस्टर में गुजरात के तीनों युवा नेताओं को जातिवाद, सांप्रदायिकता और आरक्षण का प्रतीक बताया गया, जिसके जरिए राहुल अपनी जमीन तलाश रहे हैं। वहीं दूसरे पोस्टर में राहुल और पीएम मोदी के बीच सीधी लड़ाई को दिखाया है। इस कार्टून पोस्टर के जरिए दिखाया है कि राहुल की सभाओं में मोदी मोदी के नारे लगते हैं और तब वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। वैसे सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि इससे पहले कांग्रेस भी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स का नाम देकर मोदी सरकार पर तीखे हमले कर चुकी है। कांग्रेस की ओर से जारी गब्बर वाला पोस्टर तो आपको जरूर याद होगा, जिसमें लिखा था कि सूरत वालों ने पागल विकास के सामने रोटी डालना बंद कर दिया है। तो गुजरात में गर्भाती राजनीति को देख हम तो यही कहेंगे, पहले गब्बर आया और अब राहुल का कार्टून। इसके आगे और क्या क्या आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।